राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम तोते की कहानी। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं एलजी सुमित्रा। नमस्ते। नई कहानी नई पुरानी, नई कहानी नई पुरानी, जैसे नानी कहे कहानी। नई कहानी नई पुरानी, जैसे नानी कहे कहानी। एक था राजा एक थी रानी, मैंने कह दी तुमने जानी। एक था राजा एक थी रानी, मैंने कह दी तुमने जानी। इसे सुनाना सभी जुबानी, इसे सुनाना सभी जुबानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। सुन लो रामो मुनिया रानी, रामो मुनिया रानी, रामो मुनिया रानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। नई कहानी नई पुरानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। नई कहानी नई पुरानी, सुन लो रामो मुनिया रानी। पहचानी ये किसकी आवाज है? हाँ, ये मिट्ठू तोते की आवाज ही तो है। तुमने देखी पहचाना? तोते को जो भी बोलना सिखलाओ वो उसी को ही रटने लगता है। बिना समझे रटते जाना ही तो तोते का काम है। अरे याद आई, बिना समझे रटने वाले तोते की एक कहानी सुनोगे? एक था तोता, वो जंगल में इधर उधर खूब उड़ा करता, खूब घूमता, मीठे मीठे फल कुतर कुतर कर खाता और खाकर खुश होकर टैं 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 करके बोलता। चिड़िया मारने वाले बहेलिये ने एक दिन तोते को एक ढेला मारा, उसे चोट लग गई। गिरता पड़ता वो तोता एक महात्मा जी की कुटिया में आ गया। महात्मा जी ने उस तोते की ओर देखा। उस तोते को घायल देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने तोते को अपने पास रख लिया, उसे खाने के लिए दाना दिया और पीने के लिए पानी और एक बड़ी सी मिर्च कुतरने के लिए। तो वो खुश होकर बोलने लगा टैं 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 टैं। अब महात्मा जी ने तोते को रोज रटाना शुरू किया। बहेलिये के जाल में ना फंसना, बचना भाई बहेलिये से बचना। तोता भी दोहराता और रटता जाता। बहेलिये के जाल में ना फंसना, बचना भाई बहेलिये से बचना। जब तोते को बहेलिये के जाल में ना फंसने की बात बिल्कुल रट गई तो महात्मा जी ने सोचा कि अब तोता समझ गया होगा कि उसे बहेलिये के जाल से बचना होगा। यही सोचकर उन्होंने एक दिन तोते को जंगल में उड़ा दिया।
कुछ दिनों के बाद एक दिन की बात है, महात्मा भी जंगल में कहीं जा रहे थे। उन्होंने उसी तोते को पेड़ की एक डाल पर बैठे हुए देखा। उन्हें ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि वो तोता पेड़ पर बैठकर वही रट रहा था। याद है क्या रट रहा था? बहेलिए के जाल में ना फंसना, बचना भाई, बहेलिए से बचना। पेड़ पर बैठे और सभी तोते भी यही रटते जाते, बहेलिए के जाल में ना फंसना, बचना भाई, बहेलिए से बचना। महात्मा जी खुश होकर बोले, अरे तोतों को तो अब बड़ी समझ आ गई है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि एक पेड़ के नीचे बहेलिए ने अपना जाल डाला और उसमें अनाज के दाने बिखेर दिए। अब बच्चों, उन रटने वाले तोतों ने खूब रटा। क्या रटा? बहेलिए के जाल में ना फंसना, बचना भाई, बहेलिए से बचना। बहेलिए के जाल में ना फंसना, बचना भाई, बहेलिए से बचना। लेकिन वो रटी बात उनकी समझ में आई ही नहीं थी। जब उन्हें भूख लगी तो वो दाना चुगने बहेलिए के जाल में चले गए और फंस गए। तो देखा, बिना समझे रटने वाले तोतों का काम। अब बहेलिए ने उन तोतों को पिंजरे में बंद करके बाजार बेचने चला। पिंजरे में बंद वे तोते अभी भी रटते जाते, बहेलिए के जाल में ना फंसना, बचना भाई, बहेलिए से बचना। एक दिन वही महात्मा जी बाजार में घूमने निकले। उन्होंने वही तोता पिंजरे में देखा। महात्मा जी को देखकर वो अपने रटे हुए शब्द फिर बोलने लगा। बहेलिए के जाल में ना फंसना, बचना भाई, बहेलिए से बचना। अब तो महात्मा जी को भी हंसी आ गई। सोचने लगे कि खुद तो जाल में फंसा है और बचने की बात कह रहा है। तोते से महात्मा जी बोले, अरे तोते, तुझे इतना रटाया था फिर भी तेरी समझ में कुछ ना आया। तो बच्चों, देखा, बिना समझ कर रटने वाला तोता कैसे फंसा जाल में। तोता बोला रट रट रट, मैना बोली समझ समझ। तोता रटता राम राम, मैना करती अपना काम। कोयल बोले कबूतर गूटर घू गूटर घू। कौआ बोला काऊ 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 काऊ। तोता रटता राम राम, मैना करती अपना काम। तोता बोला रट रट रट, मैना बोली समझ समझ। तोता रटता राम राम, मैना करती अपना काम। चहकी चिड़िया चू 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 चू। बोला मुर्गा कुकड़ों को कुकड़ों को। मोर पुकारे पीयू 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 पीयू। तोता रटता राम राम, तोता बोला
रट रट मैना बोली समझ समझ तोता रटता राम राम मैना करती अपना काम जो तोते सा रटता जाता वह रट्टू तोता कहलाता नहीं समझता मिठू राम तोता रटता राम राम तोता बोला रट 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 मैना बोली समझ समझ तोता रटता राम राम मैना करती अपना काम। रटने वाले तोते की कहानी तो सुन ली तुमने, अब सुनो एक रटने वाले आदमी की कहानी। तो बच्चों, एक आदमी था, उसकी यही खराब आदत थी कि बिना समझे रटता जाता। एक दिन वो अपने दोस्त के घर खाना खाने गया और उसने खाई खिचड़ी, बड़ी अच्छी लगी। अब वो जब घर आने लगा तो रट्टा आया खिचड़ी 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 के अपने घर में भी खिचड़ी पकवा के खाऊंगा। तो वो रट्टा रहा खिचड़ी खिचड़ी, कुछ देर में खिचड़ी से हो गया खाचड़ी खाचड़ी। सुनोगे कैसे? ऐसे खिचड़ी खिचड़ी खाचड़ी रटता जाता खाचड़ी। रास्ते में एक किसान चिड़िया उड़ा रहा था, इस आदमी को खाचड़ी खाचड़ी रटता देख बड़ा गुस्सा हुआ, बोला मैं चिड़िया उड़ा रहा हूँ और तुम उसे दाना खाने को कह रहे हो। अरे उड़ाओ चिड़िया को, कहो तुम उड़ चिड़ी भाई उड़ चिड़ी। तो बच्चों, वो आदमी बिना समझे अब रटने लगा उड़ चिड़ी भाई उड़ चिड़ी, रटता जाता उड़ चिड़ी। कुछ आगे एक बहेलिया चिड़ियों के लिए जाल डाल रहा था, इस आदमी को उड़ चिड़ी कहते देख बड़ा नाराज हुआ, बोला अरे मैं चिड़िया फंसा रहा हूँ और तू उड़ाता है, कहो तुम भाई फंस चिड़ी भाई फंस चिड़ी। तो बच्चों, वो आदमी बिना समझे रटता गया फंस चिड़ी भाई फंस चिड़ी, रट्टा जाता फंस चिड़ी। कुछ आगे जाने पर एक राजा के यहाँ पहुंचा, राजकुमारी की प्यारी सी मैना एक नाले में फंस गई थी, उस आदमी को फंस चिड़ी कहते हुए सुनकर वो बड़ी नाराज हुई और अपने सिपाहियों से बोली इस आदमी को पकड़ ले जाओ, मेरी चिड़िया फंसी है और वो कहता है फंस चिड़ी। तो बच्चों, उस आदमी ने मांगी माफी राजकुमारी से और कान पकड़े कि आगे से बिना समझे नहीं रटूंगा।